नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पक्ष विपक्ष की तरफ से टीका टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया है। आपको पता है कि हाल में ही अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिसके बाद से राम मंदिर और भगवान राम को लेकर के आए दिन नेताओं के बयान आते रहते हैं। ऐसे में अब तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल डीएमके के नेता ए राजा ने अब भगवान राम पर विवादित टिप्पणी कर दिया है। उन्होंने अपने भाषण में भारत माता की जय और भगवान राम पर टिप्पणी की है। ए राजा के इस बयान के बाद एक अब नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर कोयम्बटूर में एक सभा का आयोजन किया गया था और इसी में डीएमके के सांसद ए राजा ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक देश मानने से इनकार कर दिया था। डीएमके नेता ने कहा था कि हम जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ए राजा के इस बयान की न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने निंदा की है बल्कि गठबंधन के सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी इसकी जमकर निंदा की है। आइए पहले आपको बताते हैं कि डीएमके सांसद ए राजा ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा था। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत एक उपमहाद्वीप है क्योंकि यहाँ कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं। तमिलनाडु एक भाषा एक संस्कृति, यह एक देश है। मलयालम एक भाषा है, उनका एक राष्ट्र है। ओडिशा एक देश है, वहाँ एक अलग भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। ये सारे देश मिलकर भारत को बनाते हैं, इसलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। हम ऐसे लोगों के जय श्री राम और भारत माता को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपने लोगों को जाकर यह कह दीजिए कि हम राम के दुश्मन हैं। वहीं जैसे ये राजा का ये बयान बीजेपी के नेताओं तक पहुंची, बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके नेता बोलते हैं हम जय श्री राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इससे सहमत हैं? क्या डीएमके अन्य धर्मों के देवताओं के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करेगी? लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। वहीं इस पर अब कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी निंदा की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मैं उनके बयान से 100% असहमत हूं। मैं इस मंच से ऐसे बयान की निंदा करती हूं। मेरा मानना है कि राम सबके हैं और सर्वव्यापी हैं। मेरा मानना यह भी है कि राम जिन्हें इमामे हिंद कहा जाता था वो समुदायों, धर्मों और जातियों से ऊपर हैं। राम जीवन जीने के आदर्श हैं, राम मर्यादा हैं, राम नीति हैं, राम प्रेम हैं। मैं इसकी निंदा करती हूं और मुझे लगता है कि लोगों को बात करते समय संयम बरतना चाहिए। मैं उनकी बात से 100% असहमत हूं। मैं इस मंच से ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से निंदा करती हूं। मुझे लगता है राम हम सबके हैं, राम हम सब में हैं। मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमामे हिंद कहा गया वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से ऊपर है। राम क्या है? राम जीवन जीने का एक आदर्श है, राम मर्यादा है, राम नैतिकता है, राम प्रेम है, जिसकी बात हम करते हैं। मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूं। ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती हूं, पूरी तरह से निंदा करती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को संयमित होकर बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में सनातन धर्म पर बयान दिया था। उन्होंने इस बयान में कहा था कि सनातन धर्म जाति और भेदभाव पर आधारित है और इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद उदयनिधि के खिलाफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में FIR दर्ज की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाल ही में फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप मंत्री हैं, आपको बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था। उदयनिधि की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे, जहां जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी। अब अदालत इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगी। लेकिन आपको बता दें कि ए राजा के बयान पर आपकी क्या राय है?
क्या एक सांसद को किसी विशेष वर्ग के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।